Hi friends, welcome to mobigraphy. My name is Balaram and you can find me on Instagram at Balaram Pal Photography. आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी टेक्निक जिसका नाम है पैनिंग। अब जिन लोगों को पता नहीं पैनिंग फोटोग्राफी होता क्या है, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा पैनिंग होता है एक बहुत ही क्रिएटिव फोटोग्राफी टेक्निक जिसमें कोई भी एक मूविंग सब्जेक्ट को फोकस में रख के बैकग्राउंड को मोशन ब्लर किया जाता है। मेनली DSLR को यूज करके इस तरह का फोटोग्राफी लिया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो हम सीखेंगे कैसे आप अपने स्मार्टफोन से पैनिंग फोटोग्राफी कर सकते हो। गाइस, पैनिंग फोटोग्राफी किया जाता है शटर स्पीड को स्लो करके। तो दिन में तो आप शटर स्पीड को स्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप शटर स्पीड को स्लो करेंगे तो फोटो जो कि ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा। तो आप सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त लेफ्ट आफ्टरनून में ये ट्राई कर सकते हो, या फिर आप एक एनडी फिल्टर यूज कर सकते हो अपने फोन के शटर स्पीड को स्लो करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, दिन में पैनिंग करने के लिए आपके पास एक एनडी फिल्टर होना चाहिए जो आपके फोन के शटर स्पीड को स्लो करेगा, या फिर आप सुबह या फिर शाम के वक्त जब लाइट कम रहता तब ये पैनिंग ट्राई कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो सनग्लास जो ब्लैक कलर का हो। इससे क्या होगा, जो सनग्लास होगा वो बाहर का जो लाइट है उसको कम करके आपके कैमरे के अंदर आने देगा, इससे आप जो शटर स्पीड है उसको कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारे कैमरे के मैनुअल सेटिंग के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमने शटर स्पीड को चूज किया है 1/6 एंड ISO को हमने सेट किया है 100 पर। देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। अगर हमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज मिलता है तो हम शटर स्पीड को कम करेंगे, कम करके हम लगभग शटर स्पीड को 1/30 तक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फोकस को मैनुअली सेट कर लेते हैं, इन्फिनिटी कर देते हैं फोकस को, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज हम पैनिंग तो अच्छा ले लेंगे लेकिन हमारा पूरा फोटो ही डिसफोकस हो जाएगा, तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब पैनिंग में क्या करना होता है, आपको अपने सब्जेक्ट को फॉलो करना होता है। जो भी आपका मॉडल कार बाइक या फिर जो भी एक बर्ड भी हो तो उसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे आप देख सकते हो इधर से जो साइकिल में ये बच्ची आ रही है उसको मैं इस तरह से फॉलो करूंगा, तो ये आएगा, उसको मैं अपने फ्रेम के बिल्कुल ही बीच में रखूंगा, उसको मैं फॉलो करता जाऊंगा। इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो मूव करता रहेगा, इससे आपको एक मोशन ब्लर मिलेगा। ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज है, तो हम यहाँ पर जो शटर स्पीड है उसको और ज़्यादा कम कर देंगे, सॉरी और ज़्यादा बढ़ा देंगे थोड़ा। तो हम यहाँ पर 1/10 यूज़ करके देखते हैं कैसा रिजल्ट हमें मिलता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट या फिर मॉडल है उसको आपको अपने कैमरे के बिल्कुल ही बीच में रखना है, और उसको बीच में रखते हुए आपको मूव करना है, यानी कि रोट करना है, एंड आपके सब्जेक्ट के साथ साथ ही आपको मूव करते करते वक्त ही आपको फोटो ले लेना है। आप देख सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन में आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो किस तरह का फोटो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। यहाँ पर मेरा जो फोटो है वो बैकग्राउंड तो मोशन ब्लर हुआ ही, साथ ही साथ मेरा जो मॉडल था वो भी मोशन ब्लर हो चुका। तो मैं यहाँ पर कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पैनिंग ट्राई किए हैं एंड लास्टली हमें एक अच्छा पैनिंग मिला है, जो कि हमें मिला है 1/30 शटर स्पीड के साथ, ISO था 100 एंड ये था हमारा फोटो जो अभी आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। आप देख सकते हो मॉडल में शार्पनेस काफ़ी अच्छा है एंड जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छी तरीके से मोशन ब्लर हुआ है। तो बहुत ट्राई करने के बाद ये फोटो हमें मिला है। जितना आप ट्राई करेंगे उतना अच्छा आपको फोटो मिल जाएगा, और जितनी अच्छी तरीके से आप फॉलो करेंगे उतना ही अच्छा फोटो आपको मिलेगा। पैनिंग करते वक्त आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, आपका शटर स्पीड स्लो हो, दूसरी चीज़ आपका ISO 100 हो, एंड तीसरी चीज़ आप अपने मॉडल को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो। जितना आप ट्राई करेंगे उतना बेटर शॉट आपको मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मोबिग्राफी टू स्टे कनेक्टेड विथ मोबाइल फोटोग्राफी।